जब हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो कभी हम जमकर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। इसी लॉस को लिमिट करने के लिए आप स्टॉप लॉस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये स्टॉप लॉस फीचर्स, आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के 50 शेयर 100 रुपए के भाव पर खरीदते हैं। अगर आप 5 रुपए से ज्यादा प्रति शेयर लॉस नहीं उठाना चाहते तो आप 95 के लेवल पर एक सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका शेयर अगर फिसल कर 95 के भाव पर पहुंच जाता है तो उसी वक्त आपका सौदा खत्म हो जाएगा और आपका लॉस 5 रुपए पर सीमित रहेगा। ठीक इसी तरह अगर किसी शेयर में आपने सेल की पोजीशन ले रखी है तो बाय का स्टॉप लॉस लगाकर आप लॉस को सीमित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आप 5paisa की ऐप में कैसे कर सकते हैं। वॉच लिस्ट या सर्च से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आप निवेश करना चाहते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए बाय और सेल बटन पर क्लिक कीजिए। प्लेस ऑर्डर विंडो पर एडवांस पर क्लिक कीजिए। यहां आप टाइप में स्टॉप लॉस सिलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी डालिए, प्राइस डालिए। बाय डिफॉल्ट यहां आपको करंट मार्केट प्राइस नजर आएगी। स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी फिल कीजिए, आपकी डिस्क्लोज की हुई क्वांटिटी ही एक्सचेंज में दिखेगी। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के समय पहले ये क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी और फिर एक के बाद एक इसी क्वांटिटी में और ऑर्डर रिलीज होंगे। ऐसा तब तक होगा जब तक सारी क्वांटिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए। अब स्टॉप लॉस की ट्रिगर प्राइस डालिए, इस प्राइस पर आपका ऑर्डर एक्सचेंज में ट्रिगर होगा। एक बार ट्रिगर होने पर आपका ऑर्डर एक नॉर्मल ऑर्डर की तरह ही एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखें कि बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से कम होनी चाहिए, जबकि सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। अब बाय बटन पर क्लिक कीजिए और इस तरह आप अपने ऑर्डर पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।